मोदी जी की भी लड़ाई देश के लिए नहीं, किसने लिया है, अपने 12 करोड़ की कार के लिए, 500 करोड़ के घर के लिए और 8,000 हवाई जहाज के, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज के लिए। ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज दैट। वो उसलिए लड़ रहे हैं ना, वो भारत के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने अंधभक्तों के लिए लड़ रहे हैं ना, कुछ लड़ रहे हैं, कुछ भी हो झूठ बोलते जाओ झूठ। अरे झूठ बोलना तो आजकल वो हो गया कि जैसे झूठ बोलना है ईमानदारी, सच बोलो तो एंटी नेशनल। फिर से बोल रहा हूँ, आज के दिन झूठ बोलना हो गया नेशनलिज्म, ईमानदार राष्ट्रवाद, और सच बोलो तो तुम एंटी नेशनल। कहाँ आ गए हम यार? नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ, वेस्ट में क्वार्टर, ईस्ट में नॉट इवन स्टार्टर। 400 किसको लेके फिर हो? मेजर शैतान सिंह, जिसने क्या कहते हैं अपनी जान की आहुति दी भी था अपनी बटालियन के साथ, उनका वहां पे स्मारक बना हुआ था। अरे इनके ऑर्डर पे स्मारक तोड़ के हम पीछे आ गए हैं। प्रज्वल, अरे 3,000 जिसने रेप किए हो, फिल्में बनाई हो, टॉर्चर किया हो, 6 से 6 मतलब बच्ची से लेके बुजुर्गों को लेके, बुजुर्ग प्लीट कर रही है, भाई मैं तुम्हारी माँ की उम्र हूँ, तुम्हारे माँ बाप कुछ उनकी मैंने सेवा किया, यह दरिंदा चलता गया। उस बंदे को हमारा हिंदू हृदय सम्राट जो आजकल क्लेम करते हैं, ये स्टेज पे खड़े होके कह रहे हैं जी इसको वोट दो ताकि मैं तगड़ा हूं। किसका मतलब क्या है? कथुआ उन्नाव हथरस क्या नहीं हुआ, किसी पे भी एक जगह प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक लफज नहीं बोला, एक ट्विटर नहीं किया, दुख तक दिखाया नहीं। किसानों के ऊपर जबरदस्ती 3 कानून ठोक दिए, ना कोई चर्चा की, ना कोई कुछ हो गया, लगा दिए। उसमें 733 जवान हमारे शहीद हुए। ये नोटबंदी से क्या फायदा होगा कि देश में वो क्या, 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 क्या ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और सबसे बढ़कर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो तो कुछ हुआ नहीं, ऑलमोस्ट अबाउट 150 हमारे नागरिक उस लाइनों में मारे गए और डंडे तो हजारों ने खाए। ये तो अभी ट्रेलर, पूरी फिल्म बाकी। मोदी सरकार के 10 साल और 2047 तक मांग रहे हैं, तो 10 साल में जो हुआ 2047 तक आते आते क्या होगा? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है, अभी 5 फेज चुनाव बाकी है। देश में पहली बार इतने जोर शोर तरीके से संविधान और आरक्षण एक चुनावी मुद्दा बना है। विपक्ष ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि बीजेपी आरएसएस संविधान खत्म कर देगा, आरक्षण खत्म कर देगा। मोदी शाह भागवत सबको डिफेंसिव मोड पर ला दिया है। इस बीच जब मोदी साहब सरकार में आए थे तो उस समय चुनाव याद कीजिए, अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बीच में हाल ही में 2 दिन पहले अभी प्रज्वल रवन्ना का केस सामने आया है, सबसे बड़ा, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, एक तरह से कहिए कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, 2900 से ज्यादा वीडियो। तो समझना इस एपिसोड में यह है कि 10 साल का अगर ट्रेलर है, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, दलित हो, माइनॉरिटीज हो, स्पेशली मुस्लिम्स क्रिश्चियंस, उनके साथ जो हो रहा है और देश का जो विकास हो रहा है कुछ खास लोगों का और बाकी लोग पिछड़ रहे हैं, मीडिया के हालात हो, हंगर इंडेक्स हो, तमाम इंडेक्स में ये भारत और नीचे जा रहा है। तो 10 साल अगर ट्रिलर है तो 47 में क्या होगा, जरा ये सोचिए, इसी पे चर्चा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। हमारे साथ कैप्टन जीएस गोमन साहब हैं और कैप्टन रहे हैं सेना में और सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफी एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे किसानों के मुद्दे पर, ईवीएम के मुद्दे पर, और आज आपने देखा भी कल जो मामला आया है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वीवीपैट काउंट करने में 12 दिन लगेंगे, लेकिन जब ईवीएम से आप 3 घंटे में रिजल्ट लाने का दावा करते हैं तो 2 फेज का जो इलेक्शन हुआ, पहले फेज से 10 दिन और दूसरे फेज से 4 दिन लगे सिर्फ इलेक्शन का डेटा देने में। ये कौन सी लीला है? संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है ईमानदारी से? नहीं कर रही? तमाम पहलू पे चर्चा। स्वागत है सर। जी सर, थैंक यू रतनलाल जी। जैसे आपने कहा कि 10 साल की, 10 साल का जो ट्रेलर है, मतलब 47 तक की बात करते हैं, ये 10 साल ट्रेलर लेके चला है। तो ये ट्रेलर की अगर हम शुरुआत ही करें, या मगर समराज समरी तो मैं यही कर दूंगा, ये ट्रेलर देख के कोई भी, जिसे कहते हैं, जिसे थोड़ा भी इंटरेस्ट है किसी भी चीज में, वो ऐसी फिल्म को कंप्लीट देखना नहीं चाहेगा।
ट्रेलर में ही वो नजारे ला दिए हैं कि ये तो फिल्म बननी ही नहीं चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। जैसे कई फिल्में होती हैं बैंड हो जाती हैं कि नहीं दिखानी है क्योंकि इसमें सिर्फ बर्बादी है, तो ये तो इनका तो ट्रेलर वो इंडिकेट करता है। अब इंडिकेट इसमें कैसे करता है, जब आपने बताया जब आए थे जी हर तरफ से था जी इसका मार अत्याचार, अब की बार इसकी सरकार, हम जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। देखो जब ये 2014 में है तो मैं खुद कहता हूँ मैंने आगे बढ़ चढ़ के वोट दिया, आई वॉज वेरी हैप्पी। इनकी उम्र मेरे साथ की है, मेरे से 4-5 दिन छोटे हैं, एंड मुझे था कि चलो पहली बारी एक आजाद देश में पैदा हुआ बंदा एक पारा बन रहा है, ओ ठीक है ये आए तो। पर वो खुशी हमारी बहुत शॉर्ट लिव थी। शॉर्ट लिव कैसे थी, शुरुआत में तो जी चलते गए बड़े बड़े वादे करते गए, एवरीबॉडी बिलीव, कोई रीजन नहीं था ना बिलीव करने का। अच्छा अब जब 2 साल निकले, शुरुआत हो गई नोटबंदी से, बातें तो चल रही थी, इमीडिएट इफेक्ट हुआ। अरे तुम नोटबंदी करने जा रहे हो, उस टाइम पे हम 130 करोड़ थे, 4 घंटे का आप नोटिस दे रहे हो, 4 घंटे के नोटिस में आप लाइनें लगा दी, ठीक है। उस लाइनों में ऑब्जेक्टिव उनका, और कहा था जी ये नोटबंदी से क्या फायदा होगा कि देश में वो क्या, क्या ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी और सबसे बढ़कर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। वो तो कुछ हुआ नहीं, ऑलमोस्ट अबाउट 150 हमारे नागरिक उस लाइनों में मारे गए, और डंडे तो हजारों ने खाए, लात हाथ पता नहीं कितनों ने छुड़वाए। ये तो शुरुआत थी, और ना आतंकवाद खत्म हुआ और जो कहते थे ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, लेट मी टेल यू जिस दिन इन्होंने नोटबंदी लगाई है 15 दिन के बाद पंजाब में मोहाली में 2000 का नोट छप गया था, दिस वॉज इन द न्यूज, ठीक है। तो अब सबको पता है कारण क्या था। क्या हम आगे चलते हैं तो नोटबंदी से इन्होंने कर दी, एक तरह की शुरुआत कर दी, और फिर जितने पैसे ब्लैक मनी जो करनी थी 54 की नहीं आई, बर्बादी पूरी हुई। उसके बाद आगे आ जाइए अपना जीएसटी के चक्कर में पड़ गए, जीएसटी के 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा करेक्शन हुई, वो आज भी चल रही है, कंफ्यूजन उतने का उतना है। तो आम जनता मारेगी, अपना जो हमारे व्यापारी हैं दुकानदार हैं बिजनेसमैन हैं वो बेचारे अभी इसी झंझट में पड़े हैं। नंबर 2, फिर जो सबसे बड़ा भयानक बर्बादी जो खुद सर पे लेके आया, आई रिपीट खुद सर पे लेके आया, कैसे, सारी दुनिया में कोरोना का वार्निंग दे दी गई थी कि प्रिकॉशन ले लीजिए, वो आपको पता है मास्क डालिए, 6 फुट दूर रहना है, घरों में रहना, सारे दे दिए गए थे उस टाइम पे, जब सारी दुनिया प्रिकॉशन ले रही थी। हमने हमने मतलब कि महाराज साहब ने अपना ट्रंप को बुलाया एंड जितने लाखों की भीड़ खड़ी कर दी। उसके बाद अपना मध्य प्रदेश की जब तक सरकार नहीं टूटी इन्होंने रोका नहीं। तो कहने का मतलब कोरोना को जब लोग रोक रहे थे हम इनवाइट कर रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर जो बर्बादी हुई वो अब नजारे सामने, गंगा गंगा मैया मैया में लाशें फिर रही हैं, गंगा के तट भरे पड़े हैं, और सबसे जो मतलब के इनह्यूमन एक्ट था, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं इंसानों के लिए। अरे वंस अगेन 4 घंटे के नोटिस पे आप अपना दुनिया को कह, इंडिया को कह रहे हैं बाहर बाहर नहीं निकलना। डिड यू आप कहते हो जी मैं गरीब परिवार से आया, अरे आपको पता नहीं है कि 12 बाय 12 के कमरे में 12 लोग रहते हैं, आप उन्हें कहते घर से बाहर नहीं निकलोगे। और खुद जब मुझे गलती ना लगे इनका 15 एकड़ का प्लॉट है जब वो है, और पता नहीं कितने एकड़ में घर, घर का साइज हो सकता है 500 कमरे हो, तो आप उसमें रह रहे हो और आप 12 बाय 12 जहां पे कम से कम 10 से 12 बंदे रहते हैं उनको आप कर, अगेन उसमें कोई सोचा समझा नहीं, कोई सोचा नहीं कि क्या होगा। उसके बाद जब वो जो पलायन शुरू हुआ एक चमन्नी की हेल्प ने की, ना कोई बस ना कोई ट्रेन ना कोई कुछ, ये दिखा रहा हूँ ये ट्रेलर में जो हमारे अपनी जनता के साथ हुआ। ये खत्म नहीं हुआ तो अपना किसान आंदोलन, किसानों के ऊपर जबरदस्ती 3 कानून ठोक दिए, ना कोई चर्चा की ना कोई कुछ हो गया, लगा दिए। उसमें 733 जवान हमारे शहीद हुए। अच्छा उसके बाद आपको पता ही है सेना के हमारे आए दिन शहीद आते थे। मैं सबसे जो मतलब दिल को छूने वाली दर्दनाक थी, जब ये G20 कर रहे थे हमारे 3 ऑफिसर ऑफिसर जवान लेके 3 शहीद हुए, वो एक कर्नल एक मेजर और एक डीएसपी, वहां पे उनकी उनके घरों में चीख चिहाड़े पड़े हुए थे। हम यहाँ पे अपने आप दिल्ली में जहाँ पे G20 है अपने ऊपर फूल फिंकवा रहे थे, और दोनों तरफ दिखाए जा रहे हैं, पब्लिक कह रही है क्या रहे हो, कोई रिएक्शन ही नहीं है। और जब सत्यपाल मलिक जी ने जब किसानों के बारे में कहा था
तो जवाब था, अरे भाई मेरे 733 बंदा बाहरले मुल्कों में, दो बंदे इस तरह उठते हैं, सरकार निकलती, सरकार उड़ जाती है, ये कोई इनका असर था, मेरे लिए थोड़ी क्या हुआ। तो ये तो इनका था ट्रेलर। इस दौरान जो जो मतलब माइनॉरिटीज और वुमेन के ऊपर, जो नारियों पे जो अत्याचार हुआ, उसकी तो लाइन लिस्ट ही अलग है। अब मैं उस तरफ आता हूँ क्योंकि बात हो रही है आज ट्रेलर की। तो ट्रेलर आज कल्मिनेट हुआ है विद 2-3 हजार रेपिस्ट जो बंदा पड़ा है। तो उसमें आपको पता, कथुआ, उन्नाव, हथरस, क्या नहीं हुआ, किसी पे भी एक जगह प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, एक ट्विटर नहीं किया, तो दुख तक दिखाया नहीं। रादर जिन्होंने, जितने कल्प्रिट थे इनको शील्ड किया गया, और शील्ड किया गया, और जिन केसों में ये बरी होके आ गए, जिनको बरी करवाया गया, उनको फूल मालाएं डाली गई। अरे भाई जब ऐसे करोगे तो इसका मतलब क्या है, आप इनकरेज कर रहे हो ऐसे, तो ऐसे इस तरह के जो भी होते हैं, इनको इंसान तो कर दरिंदे कर सकते हैं। तो ये अच्छा, और इस दौरान आपका चल क्या रहा है, फिर हमारा बीच में हम निकल आता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो जो एक तरफ तो होगी आपकी के भारतीयों के लिए, भारतीय लेडीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, आपकी क्या है ऊपर से, और आप बनते थे कर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये स्कैंडल इतना बड़ा लगा, बड़ा बड़ा है कि सीताराम अपना, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हस्बैंड ने, उनके हस्बैंड ने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। ठीक, अब उसके बाद रह क्या गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं जो लेटेस्ट है, ये क्या, ये अपना प्रज्वल, अरे 3,000 जिसने रेप किए हो, फिल्में बनाई हो, टॉर्चर किया हो, 6 से 6 मतलब बच्ची से लेके बुजुर्गों को लेके, बुजुर्ग प्लीड कर रही है, भाई मैं तुम्हारी माँ की उम्र हूँ, तुम्हारे माँ बाप कुछ उनकी मैंने सेवा किया, यह दरिंदा चलता गया। उस बंदे को हमारा हिंदू हृदय सम्राट जो आजकल क्लेम करते हैं, ये स्टेज पे खड़े होके कह रहे हैं जी इसको वोट दो ताकि मैं तगड़ा हो, किसका मतलब क्या है, आपकी ताकत है क्या, आपकी ताकत ना सच्चाई ना संविधान, आपकी ताकत तो यही हो गए गुंडे मवाली, मतलब मैं कह रहा हूँ वो इस तरह के तत्व हो गए। इन बातों से बात निकली, हर बंदा कहता है यार कि ये ब्रिजभूषण जिसके ऊपर हमारी ओलंपियन लड़कियां, महिलाओं ने, लड़कियों ने, ओलंपिक लड़कियां, कहने का मतलब क्या है, फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, उन्होंने एजुकेशन किया रिगार्डिंग दिस गाय, किसने जो हमारे जो जो भी किया, मैं कहना भी नहीं चाहता, दुष्कर्म किया, तो इनको सजा नहीं हुई। हर बंदा सोचता सजा हुई क्यों नहीं। अच्छा पहले कह दूं कि लड़कियों ने 2 साल पहले कंप्लेन की थी प्राइम मिनिस्टर को, दो ये नहीं थी, उठ के नहीं थी आ गई, 2 साल जब उन्होंने हो गए कि नहीं हुआ, ध्यान दे केम, हमारे तो कोई सुन ही रहे, वो अपने वो दे केम जंतर मंतर पे पहुंचे, उनके साथ क्या हुआ, आप सब पता, उनको घसीट के ले गए थे। अब बात करते हैं ब्रिजभूषण की, इनकी इनको 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 क्या, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। बात बात एक दो सीट की नहीं है, हमारी पार्लियामेंट में जो पेपर जो फिगर्स हैं, 45% हीनियस क्रिमिनल्स हैं, उसमें रेपिस्ट भी हैं, 45% के 200 से ऊपर या 213 पर, चलो 200 से ऊपर हमारे हीनियस क्रिमिनल हैं। ठीक है, बात ये आ जाती है अगर एक को सजा मिलती है क्योंकि किरायापुर पढ़ाना था, तो दैट मीन्स बाकी 100 150 जो उनकी फाइलें भी खुल जाएंगी। तो बात एक सीट ब्रिजभूषण की सीट की नहीं थी, बात उसके दो की सीट नहीं थी, बात सीधी थी कि 100 के ऊपर जो केस खुल के सरकार तो गई, ये हकीकत है जो हमें रियलाइज करनी चाहिए करता। अच्छा अब आगे चले, इस ट्रेलर के जो बाकी किरदार हैं इसमें, अब मैं पंजाब की बात बताता हूँ। अब ये जो लेटेस्ट जो 3,000 जो इसका ये प्रज्वल को तो कहते ही इसका नाम बदलना चाहिए, उसको तो एक लड़की कह रही थी हराम दादा, मतलब लड़की ने उसको उसके कहा कि कुत्ते का बेटा, ये लफज में, ये इतना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन लेडीज में है, पंजाब की लेडीज का मैं फ्रस्ट्रेशन बताता हूँ। ये कहती है, इनके लफज है पंजाबी में कि जो 9 o'clock आता नहीं प्राइम टाइम, ये जो सजदर की आती हैं, कहते हैं जिनको अभिषार अभिषार शर्मा जी, उनको कहते हैं पापा की परियां, पंजाब में इनको कह रही है चुड़ैलने कब जाएंगी, ये चुड़ैलने अब मुंह क्यों नहीं खोल रही, सारा 10 साल से रोज रात को चीखती हैं, अब जबकि इंतहा हो गई है, इनके मुंह क्यों नहीं खुल रहे। उनके साथ ही जो दरिंदे हैं जैसे चौधरी, ये अब गुल्लू एंड ऑल दैट, अब उनके मुंह क्यों नहीं खुल रहे। ये तो हालात हो गई है, कर दिया कि पब्लिक के अंदर फ्रस्ट्रेशन गुस्सा कितना आ गया। और इसके बावजूद जो सबसे महा महा डिस्टर्बिंग फैक्ट है, हमारे महामहिम राष्ट्रपति एक लेडी है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेज,
राष्ट्रपति हो, लेट वुमन के साथ इस तरह के धिनधेड़े अत्याचार रहे हो, इस लेवल के अत्याचार रहे हो, इस नंबर के अत्याचार, वो भी छुपा है। ये फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर पूरा नहीं हुआ, ट्रेलर अभी भी आधा ही है। ये हो गए। अच्छा आगे चलते जाइए तो अपना क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट हो गए, तो कहने का मतलब कि लेडीज की तो जिंदगी दूर कर ही दी है। अब सिचुएशन आ गई है हमारी, एक तरफ संविधान है, एक तरफ अपने मुंह से ये कह रहे हैं, अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि 400 सीटें। तो एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूं कि आप फौज में रहे हैं और मोदी जी ने, मोदी जी ने भी मतलब 2014 में आने से पहले चाइना को लाल लाल आंख दिखा रहे थे। लेह लद्दाख में क्या हाल है? पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, उनसे रिश्ते अच्छे नहीं है, लंका से भी अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से भी अच्छे नहीं है, चाइना के साथ व्यापारिक रिश्ते भी हैं, मोदी जी बुला के साबरमती के किनारे झूला भी झूलते हैं, और अभी सुना है कि वहाँ 4,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर दी। आपके पास में तो आपके पास ज्यादा बढ़िया इन्फॉर्मेशन होगा जी। 4,000 तो है असम, अपना अरुणाचल में, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर एरिया इन लद्दाख, जो हमारे उनका नाम भूल रहा हूँ जो अपने ऑप्शन पे थे, वहां पे आए हुए हैं, और ये पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई दे नहीं रहे हैं। और जो सबसे इसमें, वो तो हार हमने मान ही ली है कि जब 8,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो दोनों को मिला के इतना अगला ऑक्यूपाइड कर रहा है, तुम पार्लियामेंट में कह रहे हो ना कोई आया ना कोई है ना गया। अरे तो इसके बाद आप फरियाद लेके किसके पास जाओगे? कल अगर आपने यूएनओ में या कहीं जाना हो तो कह रहे तुमने तो कहा यार कोई था ही नहीं। तो ये चाइना के ये जो कहानी स्थिति हो गई, जो आप देखिए फिल्मों में भी जो जो अपने जिन्हें दिखाते हैं ना दादागिरी एंड ऑल, अंदर से एक तरह के मरियल होते हैं। अब देखो शरेआम राहुल एंड प्रियंका एंड सारे कह रहे हैं इससे कायर तो रहा प्राइम मिनिस्टर नहीं हमारा, एक उनका जवाब तक नहीं दे सके। एंड उससे भी बड़ा जो नुकसान हुआ है हमारी सेना का, आई रिपीट, उससे भी बड़ा जो है जो ये जो अग्निवीर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अग्निवीर का सबसे बड़ा नुकसान पता क्या हुआ है? जो हमारे गोरखा रेजिमेंट थी, वन ऑफ द जो हमारा बैकबोन ऑफ इंडियन आर्मी गोरखा रेजिमेंट, तो उन्होंने अग्निवीर करके दे हैव स्टॉप्ड कमिंग टू द इंडियन आर्मी। एंड और जो कहते हैं उससे भी जो बड़ा नुकसान कि हमारे पास आना बंद हो गए, चाइना की फौज में जाने शुरू हो गए। उसका मतलब क्या है? हमारी जो ट्रेनिंग होती है, हमारी जो वॉरफेयर है, हमारी हर जो भी होती है, दैट इज नाउ रेडीमेड पॉन की चाइना के हाथ में, जिसके कि इनके जाने से पहले ही इनके जनाब के हाथ में हिम्मत ही नहीं थी। और चाइना के सामने बोलते नहीं, अब ये अंदर के इनका क्या लेना देना है करा के, तो सब जग जाहिर ही है। वो आए दिन बनाने हैं, पक्की सड़कें बन रहे हैं, पक्की बन रहेंगे, ये तो चुप करके बैठे हैं। इसका जवाब तो यही दे सकते हैं क्यों बैठे हैं, इंडियन फौज इज सेकंड टू नन। और अगर वही बात है, अगर ऑर्डर ही नहीं दोगे तुम कुछ पीछे करते होगे। एक और बात ऐड कर दूं, वहां पे अपना दर्जा की साइड मेजर शैतान सिंह, जिसने के कहते हैं अपनी जान की आहुति दी भी था अपनी बटालियन के साथ, उनका वहां पे स्मारक बना हुआ था। अरे इनके ऑर्डर पे स्मारक तोड़ के हम पीछे आ गए हैं? जिसने अपनी जान की बाजी रखी, एक सिपाही के लिए शहीदी से ऊपर कुछ नहीं होता है, देश के लिए जान देने से ऊपर कुछ नहीं होता है। उन्होंने खुशी खुशी अपनी जान निछावर कर दी विद अपना बटालियन, और तुमने उनका स्मारक तो तोड़ दिया। सेना का बहुमत सबके सामने, अब क्या इसमें लफज देने की क्या बात है? है 1 लाख से ऊपर मेरे ख्याल लेटेस्ट हो सकता 2 लाख से ऊपर पहुंच गई वैकेंसीज हैं, तुम उनको फिल नहीं कर रहे हो। एंड एक तरफ हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, किस तरह की अमीरी है यार, 80 करोड़ भिखारी बने हुए हैं, सेना में आप वैकेंसी फिल नहीं कर सकते, बर्बादी तो हर तरफ है। अजय तो सेना में आप बातचीत करते होंगे, लोग क्या महसूस करते हैं ऑफिसर्स कैप्टन्स कमांडर्स की अग्निवीर को लेकर? पॉलिटिकल चर्चा तो है, सेना में किस तरह की प्रतिक्रिया है? अरे बहुत खराब, बहुत बड़ी। ये तो मैं एग्जांपल पहले जहां भी देता हूँ, एक कार ले लो, चलो ट्रैक्टर लो हमसे, क्योंकि जवान के साथ सहमत है। ट्रैक्टर का एक पहिया ट्रैक्टर का, दूसरी तो पहिया तुम स्कूटर का लगा दो, टैंक या गाड़ी चलेगी? तो सेना का मोरल खराब ही हो रहा है। अरे सेना में आप जाते हो ऐसे टीम जाते हैं, अगर तुम्हारे राइट हैंड वाला बंदा तुम्हें पता है वो कैपेबल ही नहीं है, वो आप क्या करोगे? और पहली बात वो कैपेबल हो ही नहीं सकता, जो ट्रेनिंग 1.5 साल की है उसको आप 6 महीने में कर रहे हो, फिर उसको पता है कि मैं 3 साल के बाद टोटल 4 साल उसमें, उसमें 6-7 महीने की ट्रेनिंग, 6-6 महीने की छुट्टी, सर्विस पीरियड 3 साल का हो गया।
जिस बंदे को पता 3 साल के मेरे को कौन जाए, वो उसमें वो आ ही नहीं सकती जान बाजी लगाने, जान की बाजी लगाने की। इसका सेना के ऊपर चलो अभी इंडिविजुअल पे क्या जाना है, हमारे जो नारायण जी अपने जनरल साहब जो रिटायर हुए हैं आते सर उन्होंने कहा क्या, एक लाइन में उन्होंने सारा कुछ कर दिया कि हमें तो पूछा तक नहीं गया था। तुम्हें ना एक जैसे फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड जी कहते हैं इन्हें, एंड स्वामी सुब्रमण्य कहते हैं इन्हें इकोनॉमी का एबीसी नहीं आता, सेना का इन्हें कुछ नहीं पता, वो जो आपको पता ही है कि रेडार में हवाई जहाज नहीं दिखते हैं। और तो जब तुम्हें नॉलेज, व्हाई आर यू बिकमिंग द, कहावत नहीं है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये कहावत है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, दिस मैन क्लेम्स टू बी मास्टर ऑफ ऑल व्हेन ही इज नॉट इवन जैक ऑफ वन। तो ये कर रहे हैं और मुझे हैरानगी होती है वो जो बड़े जनरल साहब है, अरे कहाँ जनरल मोनिस्टर थे, अरे क्या किया था, अब और नहीं होते तो हमारे वॉट अबाउट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ठाकुर होते हैं, सुना है चुप बैठे हैं। ये तो बहुत ये इनका ना ऐसी बीमारियों का असर थोड़ी देर के बाद पता लगता है, भगवान ना करे कल जंग छिड़ जाए कहीं, मोरल बंदा तो कहते हैं वॉर इज वन विद करेज नॉट विद एज और एम्यूनेशन, द सक्सेस ऑफ विनिंग वॉर इज करेज ओनली करेज। अरे जो तुमने एक लगा मोरली डाउन कर दिया, मोरल डाउन मीन्स करेज डाउन, अगर मोरल में शक भी आ गया तो करेज में शक, ये तो कैसी चीज होती है, 100 रुपया एक 90 पैसा निकल जाए तो रुपया टूट गया, तो वही इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, डिफेंस का बेड़ा गर्क, चाइना अंदर आ रहे और एकदम आगे चले मैंने अपना मालदीव हमारे इतना क्या कहते हैं कि मैं एग्जाम्पल भी तो कह दूं, उन्होंने सीधा कहा कि प्लीज लीव बाय दिस, मतलब वी वर किक्ड आउट, एक तो होता ना भाई एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो अब चलो भी हैंडशेक एंड पोलाइट, वी वर किक्ड आउट गेम द डेट इस तारीख तक निकल जाओ। एनीवे कमिंग बैक टू दिस नाउ, अब ये दिमाग सब पर डाल दिया जी 400 400 पार 400 पार 400 पार, अरे किस मुंह से 400 पार है, वो अंधभक्त इसी लगे हुए हैं। अब ये आप पढ़ ही रहे हैं कि नॉर्थ में हाफ, साउथ में साफ, वेस्ट में क्वार्टर, ईस्ट में नॉट इवन स्टार्टर, 400 किसको लगे फिर हो, वो अंधभक्त इसी में 400 लगे 400 लगे 400 पे, और वो अभी से ये अब इतने देखो रेप ये हुआ ये प्रज्वल पे फिर वापस आ जाते हैं। अरे अंधभक्त तो छलांगे मार रहे हैं क्योंकि कहते हैं संविधान 400 आएंगे संविधान बदलेगा एंड हम तो ये करेंगे। एग्जाम्पल फिर सुन लो, जब कश्मीर का 370 उठा था तो सारे देश में सबसे खुशहाली क्या कही गई थी, हर जहाज में तो अब तो जी हम कश्मीर जाएंगे वहां से गोरी गोरी लड़कियां लेके आएंगे, ये लफज यूज किए गए थे। अब ये अंधभगत जो है कि जी आप तो जम्मू जम्मू के नजदीक है, चंडीगढ़ में है, तो क्या वहां पे लोग जाके बस रहे हैं जम्मू में और सेब खा रहे हैं सेब? किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आज भी सीधी सी बात है अगर किसी एरिया में इंटरनेट आज भी बंद हो रहा है बात खत्म हुई, आज भी लार्ज परसेंटेज ऑफ आर्मी स्टिल ओवर देयर। अगर सारी बातें भूल जाएं, इलेक्शन इलेक्शन वोट इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, हाँ जी तो ये तो सारी टू एंड टू साथ में से चार हो जाते हैं और ये मानने को तैयार नहीं, इनका काम ही है बस वो कुछ भी हो झूठ बोलते जाओ झूठ। अरे झूठ बोलना तो आजकल वो हो गया कि जैसे झूठ बोलना है ईमानदारी, सच बोलो तो एंटी नेशनल, फिर से बोल रहा हूँ आज के दिन झूठ बोलना हो गया नेशनलिज्म, ईमानदार राष्ट्रवाद, और सच बोलो तो तुम एंटी नेशनल। कहाँ आ गए हम यार, हरिश्चंद्र का राज था राज्य राव पर प्राण जाए पर बचन न जाए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, गंगा आज भी बह रही है पर गंगोत्री गंदी हो गई, गंगा आज भी बह रही है गंगोत्री गंदी हो गई है, झूठी झूठ बोला जा रहा। अच्छा ये बताइए आप, पंजाब में जो चुनाव होना है अभी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है, अकाली दल भी है, बीजेपी भी है, उधर क्या माहौल है पंजाब में? पंजाब में देखो जी बीजेपी तो सबसे एंड में बात ही करते हैं, तो मेन फाइट इज बिटवीन कांग्रेस एंड आप, वो भी इसीलिए क्योंकि वो गठबंधन है
इंडिया हुआ है, यहाँ पे गठबंधन पंजाब में नहीं हुआ है, बट इफेक्ट होता है। तो दैट इज के तो मेन फाइट इज बिटवीन देम, अकाली इफ दे आर लकी, इफ दे आर लकी शायद एक मिल जाए, इनका तो मतलब नहीं। एक बात और सुन लीजिए, पंजाब में सीट का तो मतलब ही नहीं है, इनका वोट परसेंटेज कुछ था, ये अगली बात सुनने वाली है। वो वोट परसेंटेज भी मैं एग्जाम्पल जो मान लो 100 था, वो 60 पे आ गया है। पूछो क्यों? ये जब से अपना राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और लोगों ने क्या कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कायर है, हमारा प्राइम मिनिस्टर डरपोक है, तो पंजाब में ये स्टैंडर्ड डायलॉग है, अरे बंदा जी हो जाए मर्जी हो, मेरा लीडर डरपोक नहीं हो सकता। कहते हैं ये डरपोक, डरपोक लीडर के पीछे हम कहां गए? इस लफ्ज ने कि हमारा प्राइम मिनिस्टर डरपोक है, वी विल नॉट वोट फॉर हिम, जो इनकी तरफ आ रहे थे वोटिंग में, नॉट सीट में। आई होप आई एम क्लियर। एक सिंपल सी बात, पंजाब का एटीट्यूड कि हमारा लीडर जैसा मर्जी हो डरपोक नहीं होना चाहिए, तो इनके अगर 100 वोट बने थे कैप्टन तो। कैप्टन साहब, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है या पंजाब में लोगों को लगता है कि वाकई संविधान को खतरा है और बीजेपी आरएसएस संविधान बदल देगा, ऐसा विमर्श है? नहीं, इसमें सोचना क्या है, ये तो खुद कह रहे हैं, ये तो खुद ठोक के कह रहे हैं। मुझे अब नाम नहीं आ रहा जिन्होंने कहा कि लाओ और बदले, देखो एक इनके दो तीन लीडर हैं उन्होंने कहा, फिर नीति आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा, ये तो खुद कह रहे हैं कि अब संविधान ने बदलना ही बदलना है। इसमें तो कुछ ना कुछ सोचने की जगह है, ना कुछ शक है ना शुबा है ना। बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये 400 कर रहे थे एंड राहुल जी ने कहा था ये 180 नहीं जाते। उस टाइम पे मैं मेरा अपना आनंद जी के साथ था और मैंने कहा था इनकी 150 नहीं आती, पंजाब की अब कैलकुलेशन है, पंजाब नॉर्थ में ये 120 टच कर जाए तो ये लकी होंगे, 120 से 21 नहीं होंगे, 118 हो सकते हैं, ये पंजाब की नॉर्थ की जो कैलकुलेशन है। और दूसरा एक बात मैं एंड में कर दूं, हाँ जी एंड में करते हैं, बात कंप्लीट कर दूं कि यहाँ पे नॉर्थ में जो बात चल रही है, नॉर्थ में इसके हरियाणा पंजाब हिमाचल हमारे इलाका कि ये जो जो मोदी जी हर पास है, मोदी जी खुद ही कहते हैं, मैं तो ना बीजेपी की बात करते हैं, ये लड़ाई ना देश की है ना पार्टी की है, मोदी जी की लड़ाई है, या मोदी जी की भी लड़ाई देश के लिए नहीं, किसने लिया है, अपने 12 करोड़ की कार के लिए है, 500 करोड़ के घर के लिए है, और 8,000 हवाई जहाज के, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज के लिए। ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज दैट, वो उसलिए लड़ रहे हैं ना, वो भारत के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने अंधभक्तों के लिए लड़ रहे हैं ना कुछ लड़ रहे हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये नॉर्थ का विचार है। और उसके शुक्रिया साथ जो गुमन दिन साहब, और निकाल, आपसे लगातार बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी। दोस्तों, गुमन साहब है, पूरी इत्मीनान से सुनिए, 10 साल का समीक्षा इन्होंने कर दिया। ये अगर ट्रेलर ये है तो ट्रेलर साहब, 47 में, 47 अगली में बारी क्या होगा अगली बारी हम सोचते बात करेंगे, अगली बारी हम बात करेंगे, अगर भगवान ना करे, चलो भगवान तो करेगा भी नहीं, इनके दिमाग में क्या है 47 पर, अगली बारी हम कर लेंगे। हैं। ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।